शनिवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शहर की पहली एसी ग्रीन डबल डेकर बस को हरी झंडी दिखाई है। खास बात यह है कि इस बस को वरिष्ठ नागरिकों की निशुल्क सेवा के लिए शुरू किया गया है। साथ ही यह शहर में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का उद्घाटन किया गया है और इस बस को अशोक लेलैंड और ज्येष्ठ नागरिक प्रतिष्ठान के सहयोग से विकसित किया गया है। उद्घाटन के दौरान नितिन गडकरी सहित पूर्व सांसद और ज्येष्ठ नागरिक प्रतिष्ठान के अध्यक्ष दत्ता मेघे, नागपुर पूर्व के विधायक कृष्णा खोपड़े, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुड़े, विधान परिषद के पूर्व सदस्य MLC अनिल सोरे, महेश बाबू और प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अशोक लेलैंड की CSR पहल के तहत यह बस वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध कराई गई है और इस बस से वरिष्ठ नागरिकों को विशेष लाभ होगा। इस डबल डेकर ग्रीन बस का उपयोग वरिष्ठ नागरिकों के लिए धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों की मुफ्त यात्रा के लिए किया जाएगा। वर्तमान में ज्येष्ठ नागरिक प्रतिष्ठान के पास यात्राओं के लिए एक ग्रीन बस उपलब्ध है और यह बस पिछले 5 वर्षों से नागरिकों की सेवा में है। इस बस के माध्यम से हजारों वरिष्ठ नागरिकों ने शेगांव, माहूर, कलम, अंबोरा, आदासा और थापेवाड़ा जैसे धार्मिक स्थानों की मुफ्त यात्रा का लाभ उठा है। कैमरा पर्सन अजित कुवर के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।